शुरुआत की जाएगी और बहुत जल्द ही इसकी तारीख, दिन और समय तय किया जाएगा। देखिए, 6 तारीख को हमारी विधायक दल की बैठक, और चूंकि पार्टी में सभी लोग मिलकर निर्णय लेते हैं, तो विधानसभा में तो अंदर घेरेंगे, विधानसभा के बाहर भी आवश्यकता रही तो वो भी घेरेंगे। स्वाभाविक है कि सरकार सुनना नहीं चाहती आम व्यक्ति की समस्याएं, तो हमारा फर्ज है विपक्ष के नाते, तो सप्ताह में मैं 2 दिन चाहूंगा कि भोपाल स्तर पर सभी आम प्रदेश की जनता से मिलूं, और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। समय तय कर दिया है, वार तय करना है तो वह आगे भी आपको बता दिया जाएगा। और अब बात होगी इंदौर की, जहां कैलाश विजयवर्गीय ने मजाक मजाक में घर का राज खोल दिया है। एक कार्यक्रम में फाइनेंस पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि बाजार में उनकी साख चाहे जितनी की हो, लेकिन घर में उनकी साख 3,000 रुपए की है। उनकी पत्नी आज भी उन्हें 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं देती है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाएं फाइनेंस मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से समझती हैं और इसीलिए हमारी वित्त मंत्री महिला ही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। किसी भी सरकार के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण होती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री महिला के हाथ में, और घरों के अंदर भी महिला के पास ही रहती है, वही घर चलाती है। तो मैं दोस्तों से बोलता हूँ कभी कभी मजाक में कि यार मेरी बाजार में कितनी भी साख हो पर घर के अंदर 3,000 रुपये की है, इतनी भी 3,000 ज़्यादा देती ही नहीं घर। तो और वो भी उसमें फिर मैंने 3,000 जल्दी ख़त्म कर दिए, तो उनके क्यों तुमने 3,000 ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर दी, उनके वो 4-5 मंदिर में गया था तो क्या 5-5 की टूट चढ़ दिए, 50-50 के 5-7 और रखना चालू कर दिए। मैं मैनेजमेंट बता रहा हूँ फाइनेंस का कि महिलाएं किस तरीके से संभालती है, और यही कारण है कि फाइनेंस मिनिस्टर महिला है तो भारत की साख